दोस्तों, मैं तिथि श्रीवास्तव। आपने दुल्हन तो सस्ती हुई देखी होगी। सभी लड़कियां दुल्हन एक न एक दिन तो बनती ही हैं। दुल्हन बनते समय आपने देखा होगा 16 तरह के सिंगार होते हैं। उन 16 तरह के सिंगारों के क्या माने हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। आपने लड़कियों को दुल्हन बनते हुए तो देखा ही है, दुल्हन बनते हुए आपने उन्हें 16 सिंगार करते हुए भी देखा होगा। ये रस्में, जब एक लड़की किसी परिवार में शादी कर कर जाती है तो वह कई रस्मों से बनती है। उस रस्म के भी कई मायने होते हैं। वैसे वैज्ञानिक के अनुसार कहा जाता है इन रस्मों के भी वैज्ञानिक गुण हैं। आज जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, मेहंदी। जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो सबसे पहले उसे मेहंदी का तो सबसे ज़्यादा शौक होता ही है। आपको क्या पता कि मेहंदी आपके किस किस गुणों से आपको प्रदान करती है। जो मेहंदी होती है वह आपको ठंडक प्रदान करती है, शांति भी देती है। ठंडक प्रदान के साथ साथ सिर दर्द, बुखार और आपके पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे सुख और शांति भी लेकर आता है। मेहंदी के ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो आपको वायरल और फंगस से भी बचाता है। देखिए मेहंदी के कितने फायदे हैं। नंबर दो, हल्दी। हल्दी तो आप जानते ही हैं, एंटीबायोटिक औषधि भी कहा जाता है। कहते हैं दुल्हन को हल्दी इसलिए लगाया जाता है ताकि उसमें प्राकृतिक निखार आ सके, वो सुंदर निखर सके, जिससे आपको प्राकृतिक सौंदर्य भी मिलता है। प्राकृतिक ने हमें एक हल्दी सौंदर्य निखारने के लिए ही तो दी है, जिससे कि दुल्हन को सुंदर और सौंदर्य प्रदान करता है। नंबर तीन, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ जब हम कलाई में पहनते हैं तो सजावट के लिए ही नहीं, यह एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिससे चूड़ियों के दबाव से आपके शरीर की सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं चूड़ियां पहनने से हमारे हाथों में एक घर्षण बल होता है, जिससे रक्त का संचारण भी बढ़ता है और आपकी कलाइयां भी सुंदर लगती हैं। नंबर चार, मांग में सिंदूर भरना। आपने हिंदू धर्म में तो देखा ही है, जो स्त्रियाँ शादीशुदा होती हैं वह अपनी मांग सिंदूर से सजाती हैं। सिंदूर लगाने से सिंदूर के अंदर हल्दी, चूना, पारा और धातु नामक कुछ चार पदार्थ होते हैं, जो आपके माथे पर ठंडक प्रदान करते हैं। इससे आपकी यौन शक्ति भी बढ़ती है। कहते हैं इसीलिए कुंवारी लड़कियों को और बिना शादीशुदा लड़कियों को सिंदूर लगाने के लिए मना किया जाता है। नंबर पाँच, बिछुए पहनना। आपने हिंदू धर्म में तो देखा ही होगा, जो स्त्रियां शादीशुदा होती हैं वह पैर की दूसरी उंगली में बिछुए डालती हैं। बिछुए पहनने से उनके पैरों में एक नस होती है, जो नस गर्भाशय से हृदय तक जाती है। कहते हैं जो स्त्रियां दूसरी उंगली में बिछुआ पहनती हैं उनसे उनका गर्भाशय मजबूत होता है और उनका हृदय भी मजबूत रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बिछुए पहनने चाहिए। नंबर छः, अग्नि। आप तो सभी जानते हैं कि अग्नि को पवित्र माना जाता है और अग्नि में डलने वाले पवित्र सामान जैसे घी, चावल, ये चीज़ें अग्नि में डाली जाती हैं और वर वधू जिस अग्नि के समक्ष होकर सात फेरे लेते हैं उससे भी उनका रिश्ता और मजबूत होता है। कहते हैं कि अग्नि इतनी पवित्र होती है कि उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा आती नहीं है और सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है, जिससे वर वधू को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और उस शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों को भी फायदा होता है। तो ये थे वह कारण जिसके कारण स्त्रियां 16 सिंगार करती हैं। इन सिंगारों का परंपराओं की क्या विशेषता है, इस वीडियो से आपको पता ही चल गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।